इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परिचय समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन के सभागार में किया गया। इस मौके पर इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉ. श्रवण पांडे, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार सिंह, इग्नू कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संदीप दीक्षित, प्राणी विभाग के डॉ. विनय सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। परिचय समारोह में नए सत्र के छात्र छात्राओं के परिचय के साथ उन्हें इग्नू द्वारा संचालित विषय के संबंध में जानकारी दी गई और नए सिलेबस के बारे में बताया गया। इस अवसर पर छात्रों ने अपनी बातों को भी सामने रखा, जिसका जवाब इग्नू के एआरडी ने दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉ. श्रवण पांडे ने बताया। साइकोलॉजी एम ए पी सी कार्यक्रम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, हम एक उदाहरण के रूप में बन रहे हैं। एम ए पी सी लिया और इसके सर्च को क्लिक किया, जहाँ पे सर्च है यहाँ इतने प्रोग्राम्स आ गए, और यहाँ गो पे क्लिक किया, देख रहे हैं आप रिजल्ट्स दिखा रहा है, और नीचे देखेंगे तो ये आपके कम्युनिटी एम ए साइकोलॉजी आ गई, एम ए साइकोलॉजी फुल कंटेंट इन जिप फाइल करके आ गए। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें सारे प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, इसको जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम आपके उस पर डाउनलोड होने का व्यू ओपन करके ऑप्शन आएगा, व्यू ओपन जैसे आप क्लिक करेंगे सारा मटेरियल आपके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अपने आस पास के एक्सपीरियंस को साथ इंडक्शन मीटिंग इसलिए आयोजित की जाती है क्योंकि जो विद्यार्थी परंपरागत शिक्षण प्रणाली से पढ़ाई किए हैं वो दूसरे विधा में डिस्टेंस एजुकेशन विधा में अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो दोनों विधा के जो डिफरेंस हैं और जो पढ़ाई के नियम कानून हैं और जो पढ़ाई के तरीके हैं, उनसे छात्रों को पहली मीटिंग की जाती है कि उसमें परिचित कराया जाए वहाँ पे उनको कौन सी फैसिलिटीज उपलब्ध हो पाएंगी, इग्नू कौन कौन से विशेष उनको सुविधाएं देने वाला है, उन सब के बारे में उनको परिचित हो जाएं, अपने एजुकेशनल डिलीवरी को कैसे वो प्राप्त कर पाएंगे, काउंसलिंग सेशन कैसे होते हैं, असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, और उनकी सबसे बड़ी बात कि वो आपस में एक दूसरे से परिचित हो पाएँ, क्योंकि अकेला पढ़ने की व्यवस्था है इग्नू, तो वो एक दूसरे की मदद करके आपस में वो और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आज की ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, एक तो बहुत अच्छी स्टूडेंट की भागीदारी रही और लोग जो हैं बहुत मेहनत से इसको पढ़ाई करनी पड़ती है और बच्चों को काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। हमें खुशी है कि हमारा ये जो केंद्र है विश्वविद्यालय, इसने बहुत संबल दिया है, बहुत अच्छी हमारी एजुकेशन की व्यवस्था की है छात्रों के लिए। हमें यहाँ के सभी स्टाफ और यहाँ के सभी प्रबुद्ध जो प्राध्यापक गण हैं वो बधाई के पात्र हैं। छात्रों ने अपनी विभिन्न शंकाओं पर प्रश्न किए, उनकी जो क्वेरीज थी वो जैसे थी कि सब स्टडी मटेरियल कब तक मिल पाएगा, तो वो बस हम डाक द्वारा भेजते हैं, लेकिन हमने उनको ऑनलाइन कैसे वो एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल उनके बारे में ये ट्रेनिंग दी है, एक हैंड ऑन ट्रेनिंग दी है प्रदर्शन करके। दूसरी बात हमने ये बताया कि आप अपने असाइनमेंट को कैसे जमा कर सकते हैं, प्रोजेक्ट और
प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आपको क्या होते हैं प्रोसीजर्स हैं, कैसे स्टडी सेंटर संपर्क करेंगे, और छात्र कम होते हैं तो हम एक जगह क्लब करके उनकी सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से उनको बताया।